नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मार्केट के बारे में जो पैसे से जुड़ा हुआ है। हाँ, आपने सही सुना, मनी मार्केट। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम सोचते हैं कि मार्केट में कुछ दुकान होती है तो मनी मार्केट में क्या होता है? मनी मार्केट में कोई दुकान या स्टॉल नहीं होता। इस मार्केट में लोग पैसे के साथ डील करते हैं। मनी मार्केट एक देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये बाजार इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, व्यापार और वाणिज्य के विकास में मदद करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मनी मार्केट में कौन कौन है। यहाँ अलग अलग कंपनियां, संस्थान, फर्म और व्यक्ति होते हैं जो पैसे की जरूरत रखते हैं। ये लोग व्यवस्थित तरीके से पैसे के साथ काम करते हैं और इस बाजार को हम मनी मार्केट कहते हैं। देखो, कुछ प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भी मनी मार्केट को अपनी अलग अलग तरीकों से परिभाषित करते हैं। उदाहरण के लिए क्राउथर के हिसाब से मनी मार्केट विभिन्न रूपों और संस्थानों को दिया गया एक सामूहिक नाम है जो नए पैसे के विभिन्न ग्रेडों से निपटते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के अनुसार मनी मार्केट मुख्य रूप से मौद्रिक परिसंपत्तियों में लघु प्रकृति के लेन देन का केंद्र है। तो इस वीडियो में हमने मनी मार्केट के बारे में बात की है। इस मार्केट का मुख्य उद्देश्य है पैसे को सही तरीके से मैनेज करना और देश की अर्थव्यवस्था में मदद करना। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करें और हम आपके सवालों के जवाब देंगे। धन्यवाद।